तो जय हिंद, कैसे हो आप सभी। मैं रविंद्र, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, आज से भाई इंडियन एयरफोर्स के अंदर वायु अग्निवीर के ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस प्रकार आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आप अपने मोबाइल से घर बैठे ही इसके लिए आवेदन कर सकते हो, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहेगा। दोस्तों आप सभी को पता है भाई, यहाँ पर जो वेबसाइट है वो है दोस्तों careerindianairforce.cdse.in। यहाँ पर आपको आना है दोस्तों, उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं भाई ज्वाइन एज ऑफिसर और अग्निवीर वायु, तो अग्निवीर वायु पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। देन उसके बाद यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा भाई अप्लाई ऑनलाइन का, तो अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भाई, अगर आपने पहले से ही इंडियन एयरफोर्स के अंदर आपकी आईडी है तो वहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करके, पासवर्ड एंटर करके, कैप्चा एंटर करके आप लॉगिन कर सकते हो। अदरवाइज भाई, अगर आप नए यूजर हो दोस्तों, पहली बार इंडियन एयरफोर्स का कोई फॉर्म भर रहे हो भाई, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है न्यू पर भाई। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हो भाई अग्निवीर वाई नेवी एमआर एसएसआर एनडीए एग्जाम की, तो आप मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस को अनअकैडमी लर्निंग ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हो। दोपहर के 2 बजे, शाम को 5 बजे और रात को 7:30 पर बिल्कुल लाइव क्लासेस जो है मेरी चलती हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। दोस्तों इनके लिए आप एनरोल कर सकते हो भाई, और ये सारी ही क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं दोस्तों। इनको ज्वाइन करने के लिए मैंने डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है भाई, वहाँ से आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद साइनअप कीजिएगा दोस्तों अपनी बेसिक डिटेल एंटर करके। देन उसके बाद आपसे एक अनलॉक कोड मांगा जाएगा और यहाँ पर आपको एंटर कर देना है इंडियन। दोस्तों इंडियन कोड जैसे ही आप एंटर करोगे, आपके सामने जो है सारी ही क्लासेज अनलॉक हो जाएंगी और आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उन क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहो तो भाई इंडियन कोड की मदद से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। मेरी प्रोफाइल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और क्लासेज का डायरेक्ट लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोपहर को 2 बजे, शाम को 5 और रात को 7:30 पर बिल्कुल लाइव सेशन चलते हैं, अभी एनरोल कीजिएगा ठीक है। साइनअप पर आपको क्लिक करना है और साइनअप पर दोस्तों आने के बाद आपको यहाँ पे अपने नाम भरना है भाई 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको अपने पेरेंट्स नेम, यहाँ पे फादर नेम आप फिल कर सकते हो भाई जो कि आपका 10th की मार्कशीट पे हो। ईमेल आईडी, नेशनलिटी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है दोस्तों। देन उसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर भाई अपना मोबाइल नंबर जो है फिल कर लेता हूँ दोस्तों ठीक है। उसके बाद आपको भाई यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। उसके बाद आपको जो मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया है वो आपको यहाँ पे फिल करना है दोस्तों। एंड देन ये जो कैप्चा है ये आपको एंटर करके सिंपल और साइन अप पर क्लिक कर देना है ठीक है। जनरेट ओटीपी पर आप क्लिक करोगे तो ओटीपी आपके मोबाइल पर आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर डिटेल्स हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद अस। उसके बाद आपकी ईमेल पर जो है एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आ जाएगा दोस्तों, उसको यहाँ पे ईमेल आईडी आपको आपकी एंटर करनी है यहाँ पे। देन उसके बाद जो आपको पासवर्ड मिला है वो एंटर करना है, और ये जो कैप्चा आप देख रहे हो दोस्तों ये आपको यहाँ पर एंटर करके भाई सिंपली जो है साइन कर लेना है ठीक है। तो एक बार मैं भी सारी डिटेल के साथ जो है साइन इन कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखो भाई आपकी ईमेल आईडी पर ना इस प्रकार से मेल आ जाएगा जिसमें आपको लॉगिन आईडी और यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे भाई जब ये पासवर्ड आप एंटर करोगे तो आपसे एक नया पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको बना लेना है दोस्तों, जिसमें आपका 8 डिजिट ये पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें से एक कैपिटल लेटर होना चाहिए दोस्तों, एक आपका लोअर केस होना चाहिए और एक आपका नंबर होना चाहिए और एक कोई भी स्पेशल करेक्टर जैसे @#, ये होना चाहिए। देन उसके बाद आपको सबमिट कर देना है और आपका पासवर्ड जो है यहाँ पे दोस्तों सक्सेसफुली जो है सेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल जो है एंटर कर देनी है ठीक है भाई। और यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, जो आप साइज चूज करोगे भाई आपकी 10th मार्कशीट का, वो आपका जो है 20 से लेके 50 KB के बीच होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कैसे आप रिसाइज कर सकते हो। आपको गूगल पे सर्च करना है दोस्तों पिक रिसाइज ठीक है। पिक रिसाइज पर आप क्लिक करोगे, देन उसके बाद ये साइट आपके पास ओपन हो जाएगी, जिसमें यहाँ पर आपको अपनी फाइल चूज कर लेनी है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी 10th मार्कशीट जो है रिसाइज करना चाहता हूँ, तो उसके बाद आपको यहाँ पे भाई क्वालिटी सेलेक्ट कर देनी है बेस्ट, और यहाँ पे साइज कर देना है 50। तो आप यहाँ पे देखो दोस्तों, जो हमारे पास नया साइज बना है वो 13 KB का बन गया है, तो यहाँ पे आपका जो है कम ज़्यादा साइज हो जाएगा उस। आप देखना यहाँ पे आपका जो साइज है वो 20 से 50 KB का बीच हो, आपको यहाँ पे सेव टू फाइल्स पर क्लिक कर देना है और आप जो है ये फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हो अगर आपको साइज बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। देन उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देन आपको चूजन करना है दोस्तों कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है भाई वो क्या है, क्या आपने 12th कर रखी है दोस्तों, क्या आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है या 2 साल का वोकेशनल
कोर्स है, ठीक है, उसके बाद आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या कहा है, क्या आप जो है अपनी 10+2 में पास डिक्लेयर कर दिए गए हो और आपके मिनिमम 50% एग्रीगेट करके होने चाहिए और 50% इंग्लिश में मार्क्स हैं, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपके पास जो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट थे भाई, डिक्लेयर आप पास हो भाई, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद आपसे पूछा है दोस्तों ग्रुप अप्लाइंग, मतलब आप किस ग्रुप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो भाई, साइंस यानी केवल और केवल एक्स ग्रुप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो हम बोथ के लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पे हमने बोथ सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद एजुकेशनल बोर्ड दोस्तों की कहाँ से आपने जो है अपनी जो है 10th की है, तो वो यहाँ पे आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, ठीक है। जैसे भाई मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ हरियाणा, ठीक है। सो जो भी आपका बोर्ड है दोस्तों वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है भाई, इनमें से आप ढूंढ सकते हो या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेना दोस्तों, जैसे भाई ठीक है जो भी आपका बोर्ड है दोस्तों यहाँ पे आप एक बार उसको अच्छे से ढूंढ लेना भाई, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको सारी डिटेल फिल करनी नहीं है, बोर्ड के बाद आपको अपनी जो है एग्रीगेट परसेंटेज, देन उसके बाद 12th का जो सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड कर देनी है। आपको बताना है कि आपके मार्क्स इंग्लिश में कितने थे, मैथमेटिक्स में कितने थे, फिजिक्स में कितने थे, और उसके बाद अगर आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है 12+2 की तो आप यहाँ पे यस करके अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज नो पर क्लिक करके 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा है दोस्तों कि आपके पास कोई NCC सर्टिफिकेट है क्या, आप भाई सिविलियन ऑप्शन हो भाई, सर्विंग रिटायर्ड और डिस्चार्ज जो है पर्सनल के। उसके बाद आपसे पूछा है कि आपको कहीं भी कहीं से डिस्चार्ज किया गया भाई इंडियन आर्मी नेवी और किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट से, तो यहाँ पर आप यस नो पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना है भाई, जो भी आपका कोई चिन्ह है भाई फेस पर वो आप यहाँ पर बता सकते हो भाई, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे जो है बता देना है भाई। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी हाइट लिख देनी है दोस्तों कि आपकी जो हाइट है वो कितनी है। उसके बाद आपको बताना है कि आपकी जो चेस्ट है भाई वो कितनी है, इंचीज में बतानी है, चेस्ट और हाइट बतानी है भाई सेंटीमीटर में। वेस्ट साइज़ आपको बताना है भाई कि आपके जो कमर का साइज़ है वो कितना है और आपका शू कितने नंबर का आपको आता है वो यहाँ पर आपको बताना है, एंड देन सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। देन दोस्तों उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन डिटेल मांगी जाएगी भाई, जिसमें आपको अपना यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल करना है, हाउस नंबर आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, कंट्री, उसके बाद भाई स्टेट यूटी, देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज, टाउन, पोस्ट ऑफिस, और यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर देना है। ध्यान रखना दोस्तों आधार कार्ड आपको एग्जाम देते टाइम यहाँ पे लेके जाना होगा भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों भाई यहाँ पे तो पिन कोड आपको एंटर कर देना है दोस्तों आपकी सिटी का, देन उसके बाद भाई यहाँ पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो आप इस पर क्लिक करके 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते। सो दोस्तों इसके बाद आता है भाई फाइनल स्टेप, जहाँ पर आपको अपना फोटो सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अपलोड करने हैं। यहाँ पे आपको अपना फोटो जो है चूज करना है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना भाई फोटो आपको स्लेट वाला डालना है दोस्तों, जिसमें आप अपनी चेस्ट के सामने स्लेट पे चौक से आपका नाम और आपका डेट ऑफ प्रिंट जो है लिखा होना चाहिए और फोटो जो है अप्रैल 2022 से पुराना न हो। सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फिर लेफ्ट एंड थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं, देन आई जो है डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है, आपको प्लेस यहाँ पर चूज कर देना है एंड सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप भाई आपका जो फोटो साइन है वो अपलोड करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ऑप्शन सेलेक्ट सिटी का, कौन सी जो है 5 सिटीज़ आपको प्रेफरेंस में फिल करनी है दोस्तों। सबसे पहले जो है फेज़ 1 के लिए आपको यहाँ पे सिटी जो है सेलेक्ट करनी होगी दोस्तों, ठीक है। सो भाई यहाँ पे आपको जो है 5 सिटी जो है चूज़ करनी है दोस्तों, ठीक है भाई। पहली सिटी हमने यहाँ पे प्रेफरेंस में दे दी है, फिर उसके बाद देखिए दोस्तों दूसरी सिटी आप यहाँ पे भर सकते हो भाई, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस प्रकार से आप यहाँ पे जो है सिटीज़ की प्रेफरेंस दे सकते हो। ध्यान रखना भाई आपको 5 सिटी जो है प्रेफरेंस में देनी होगी दोस्तों, ठीक है भाई। तो जो भी 5 सिटी भाई आप फिल करना चाहो दोस्तों वो यहाँ पे फिल कर देना, फिर उसके बाद आपको नीचे जैसे आप आओगे आपको जो है यहाँ पे 7 ASC प्रेफरेंस के लिए फिल करने हैं दोस्तों, ठीक है भाई। 7 ASC भाई जो भी आप फिल करना चाहो दोस्तों वो 7 ASC आप जो है यहाँ पे प्रेफरेंस में फिल कर सकते हो, फिर उसके बाद सेव आपको जो है यहाँ पे कर लेना। सो यहाँ पर दोस्तों भी मैंने सिटी भी सिलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद आप प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सारी जानकारी ले सकते हो, एंड देन उसके बाद आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है दोस्तों। जो भी आपकी डिटेल है ये सारी आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी, उसके बाद आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है और आपका जो फॉर्म है दोस्तों वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार मात्र 10 मिनट में दोस्तों आप अपना फॉर्म भर सकते हो भाई घर बैठे, ठीक है। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी भाई। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है आपका ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके साथ ही साथ दोस्तों भाई आप हमारी एप्लीकेशन डिफेंस शिक्षा को डाउनलोड कीजिएगा, कंप्लीट कोर्स आपका अवेलेबल है दोस्तों वायु अग्निवीर वाई समूह के लिए यानी बिना साइंस वालों के लिए, तो आप एक बार वहां पे जाके डेमो देख के उसको परचेज कर सकते हो। मात्र 30 दिन का समय आपके पास है दोस्तों, आप सभी को पता है जुलाई में आपका एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।